नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे फार्मेसी बिजनेस के लिए बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, HSN, पाइस पर स्ट्रिप और पाइस पर क्रीस किस तरीके से सेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग में जाएंगे। ये मैं सेटिंग में आ गया हूँ। सेटिंग में मुझे सेल बिल सेटिंग में जाना है। सेल बिल सेटिंग में यहाँ पे बिल आइटम सेटिंग, क्योंकि हम लोग आइटम्स की सेटिंग कर रहे हैं बिल में। उसके बाद में एडिशनल कॉलम, क्योंकि हम लोग एडिशनल कॉलम सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूँगा बैच नंबर, एक्सपायरी डेट। फिर इसके बाद में मैं इसे इस सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर में मैसेज आ जाता है, सक्सेसफुली एडेड, डेटा सक्सेसफुली एडेड। उसके बाद में इसे सेव कर दीजिए। अब हम लोग इन्वेंट्री में जाएंगे और इन्वेंट्री में एक आइटम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे कॉलम कॉमन जो आइटम होता है वो ऐड कर रहा हूँ, वो होता है पैरासीटामोल। सेल प्राइस जो है मेरी वो है 20 रुपीज़, और 20 रुपीज़ के लिए मुझे यूनिट सेलेक्ट करना है। एक जो पूरा पैक आता है वो 20 रुपीज़ का आता है। तो यहाँ पे मैं पैक्स सेट करूँगा। MRP उसका 25 रुपीज़ रहता है। परचेस प्राइस मुझे डालना है तो मैं डालूँगा, अदरवाइज स्किप करूँगा। GST जो भी आपका परसेंटेज रहेगा वो आप डाल सकते हैं। GST डालने के बाद आपका जो है HSN का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाता है। मैं यहाँ पे HSN कोड डालूँगा 8954। अगर आपका 8 डिजिट डालना है तो आप 8 डिजिट भी पूरा पूरा HSN कोड भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ आइटम कोड है तो आप आइटम कोड डाल सकते हैं, ये 100% ऑप्शनल है। फिर उसके बाद में देखिए मेरा बैच नंबर और एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ गया है। अगर आपको सारे बिल्स के लिए यही से अगर सेट करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर जब आप बिल बनाते हैं तब भी आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैच नंबर डाल देता हूँ। बैच नंबर है मेरा 56 और एक्सपायरी डेट जो मुझे डालनी है वो है 2023 अगस्त की। मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। अब हम इसी सेम आइटम का बिल बना के देखेंगे। बिल बनाने के लिए मैं आया हूँ। कोई भी एक कस्टमर सेलेक्ट कीजिए। अभी यहाँ पे कैश सेल है तो मैं कैश सेल कर देता हूँ। पैरासीटामोल यहाँ पे मैंने ऐड किया। अगर मुझे यहाँ पे बैच नंबर या फिर एक्सपायरी डेट अगर चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड डिस्काउंट एंड आइटम डिटेल्स में जाऊँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा ये बैच नंबर और एक्सपायरी डेट आ गया है। तो यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना है तो मैं उसे चेंज भी कर सकता हूँ। मान के चलते कि मैं एक्सपायरी मुझे बैच नंबर चेंज करना है, 56 के बदले मेरा 57 हो गया है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। जितना भी पैसा आपको मिला है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर 20 रुपीज़ मिला है तो 20 रुपये। सेव एंड प्रिंट। बिल अमाउंट इज 20, थैंक यू। ये देखिए बिल मेरा पूरा बन के रेडी है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा बैच नंबर आ गया है और ये मेरा एक्सपायरी डेट आ गया है।
और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि क्वांटिटी कितना है, 1 packs है। अगर मुझे यहाँ पे 1 piece के हिसाब से भी अगर मुझे सेट करना था तो मैं सेट कर सकता था। तो इस तरीके से हम लोग फार्मेसी के बिल्स आसानी से ईजू में बना सकते हैं। तरक्की आपके साथ, जय हिंद, जय भारत।